अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं भैया। अरे नहीं भाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज है 31 दिसंबर और मैं जा रहा हूँ वैष्णो देवी। जोर से बोलो जय माता दी। बड़ी मम्मा बोलो जोर से जय माता दी, जय माता दी। वैसे जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी। वैसे तो इनका नाम भी प्रेम ही है, प्रेम लता नाम है इनका। माता। तो हम जा रहे हैं आज वैष्णो देवी, वैष्णो देवी के दर्शन करने। और आपको जाना है चलो इनको बाद में लेके जाएंगे। और अनमोल का है कल हैप्पी बर्थडे, न्यू ईयर के दिन ये पैदा हुआ था, न्यू ईयर के दिन ही हमें ये गिफ्ट मिला था, ये अनमोल ठीक है। तो अनमोल कल घर पे करेगा सेलिब्रेट और हम लगाएंगे जयकारा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय। सो गाइस, ये है हमारे ड्राइवर जो आज हमें लेके जाएंगे, इनका नाम है साहिल जम्वाल। और यहाँ पे बैठे गणेश जी जिनका नाम भगवान वाला है और काम है भगवान वाला भाई। तो इसी के साथ हम जा रहे हैं वैष्णो देवी, आपको दिखाएंगे आज वैष्णो देवी की यात्रा। बाय बाय। तो जी जाने के लिए है तैयार, आगे बैठा है साहिल जम्वाल और ये है रजत रैना द लस्सी गाय। इसको बोलते हैं रजत रैना द लस्सी गाय क्योंकि ये हर एक चीज़ में लस्सी घोल देता है। मैडम अगर ये वीडियो देख रही है तो मैम मैंने बिल्कुल लेट नहीं किया है, साहिल ने लेट किया है, इसको गाने सुनने हैं। रास्ते में बीच बीच में रोकते जा रहा है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। करण देव सिंह ये हमारे साथ जा रहे हैं वैष्णो देवी और यहाँ पे ये साहिल जम्वाल पता नहीं क्या निकाल रहा है और ये लस्सी रैना, इनसे तो आप मिल ही चुके हो और ये गणेश भाई से तो आपने मिल ही लिया, बाकी दो कहाँ गए। सो गाइस, हम पहुँच गए हैं फाइनली कटरा। कटरा में आप आ सकते हो ट्रेन से, बस से, अगर ज़्यादा ही पैसे हैं तो फिर फ्लाइट से भी आ सकते हो। तो यहाँ पे टोटल चढ़ाई है 13 किलोमीटर की, अभी मैं आपको दिखाता हूँ पहुँची। ये आ गए जी हमारी जो खाती हैं खाली हवा। सो गाइस, ये है यहाँ की एंट्रेंस। यहाँ से जाना होता है, पहले करवानी होती है चेकिंग, फिर उसके बाद यहाँ से जाना होता है अंदर। टिकट लेनी जरूरी है यहाँ पे, टिकट पहले ही आप कटवा के आए वो जरूरी। सो गाइस, यहाँ पे है इतनी लंबी लाइन। एक्चुअली यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा रश है, मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ रश ही मिलता है। तो यहाँ पे है काफ़ी ज़्यादा रश क्योंकि 31 दिसंबर है, उसके बाद कल न्यू ईयर है, इससे अच्छी जगह कहाँ ही मिल सकती है। जी यहाँ से करवानी पड़ती है पर्ची पहले चेक, फिर यहाँ जाना। तो गाइस, यहाँ से आप करवा सकते हो घोड़े पालकी वगैरह बुक। घोड़े आपको अभी मिल जाएंगे, पालकी भी मिल सकती है, आप यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर पर फ़ोन भी। ये देखो जी रश, मतलब सारी दुनिया यहीं आई आज, ऐसा लग रहा है न्यू ईयर मना रहे हैं। यहाँ लगता है जी गुलशन जी का भंडारा, ये देखो अभी भी लगा हुआ, लोग खा रहे हैं। ये है जी वासु, इससे चला तो जाना नहीं है, इसको उठा के लेके जाना है। हाँ वो तो पता चलेगा जब आएंगे वापस। वापस आएंगे तू मेरे को उठाएगा या मैं तेरे को उठाऊंगा? मैं तेरे को इधर ऊपर से नीचे फेंक के आऊंगा। फेंक के आऊंगा? हाँ। इतनी हिम्मत? हाँ वो तो है। यहाँ पे जी आप फोटो खींचो, ये देखो। तो भाई जी गणेश जी को लगी है भूख और इन्होंने मंगवा लिए हैं नान और समोसे। और यहाँ पे करण भी आपको भी काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है, नहीं तो नहीं लगी, लेकिन अब तूने एक्स्ट्रा नान मंगवा लिया तो खाना पड़ेगा। यहाँ पे भी है जी काफ़ी ज़्यादा रश, काफ़ी सुंदर ये मंदिर। तो गाइस ये है चरण पादुका, यहाँ पे माता रानी के चरण जगह। तो यहाँ से ही होती है पहली यात्रा शुरू और यहाँ पे लगाया है जी भंडारा। जय माता दी।
यहाँ बन रहा है जी गन्ने का जूस, थकावट मिटाने का सबसे अच्छा तरीका गन्ने का जूस पी लो। ये है जी गन्ने का जूस, ये है जी चाट भंडार। कुछ हो गया हाँ जी, गिर भी थक गए तो थोड़ा बहुत थक गए हैं, पसीना काफ़ी ज़्यादा आ गया। नहीं पसीना आ रहा है, कपड़े बहुत ज़्यादा पहन लिए हैं, इतनी ठंड लग रही थी, ये पसीना आ रहा है बस, उसी की वजह से पसीना आ रहा है। ये सारा पसीना निकला है ना, उसी की वजह से निकला। तो खाते हैं फ्रूट चाट और चलते हैं धीरे धीरे आगे जी। ये रास्ता जाता है हेमकोट की तरफ, यहाँ घोड़े वगैरह तो कभी मिलते हैं। ये रास्ता यहाँ से अलग हो जाता है और ऊपर है अध कुंवारी। तो चलते हैं अब, घोड़ों ने बड़ी खप खाना मचाया, अब यहाँ नहीं मिलेंगे घोड़े। यहाँ से चलती है जी बैटरी कार, यहाँ से आप टिकट ले सकते हो बिल्कुल थोड़ा सा आगे चल के, वो चलती है सुबह जी। यहाँ से मिलती है बैटरी कार की टिकट, किराया है 354 पर पर्सन। लाइन काफ़ी लंबी है, चलती है सुबह ही है, सुबह सुबह चलती है। ये है जी बैटरी कार, ये जाएगी सुबह, अपनी मर्जी में चलती है ये भी जी। अब है जी पूरा रास्ता खाली, घोड़ों का खप खाना दूर हो गया, अब यहाँ घोड़े होंगे नहीं बिल्कुल भी। ये पूरा रास्ता देखो, यहाँ कोई घोड़े नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो वाला रास्ता ही अलग हो जाता ना। और आपको दिखाता हूँ नीचे का व्यू कटरा का, रात का इतना सही व्यू होता ना, मतलब रात को जो कटरा लगता है वैसा कभी नहीं लगता। दिखाता हूँ व्यू, ये देखो जी कटरा का व्यू कितना सुंदर लग रहा है, ऐसे लग रहा है तारे ज़मीन पर आ गए। और टेम्परेचर हो गया है जी 4 डिग्री, ठंड काफ़ी है, 4 डिग्री टेम्परेचर पता होगा, चार डिग्री हो गया तो। लेकिन चलते चलते ना ठंड में पता ही नहीं चलता है, मतलब आपके हाथ थोड़े थोड़े मतलब फ्रीज होंगे, लेकिन चलने की वजह से गर्म हो जाते हैं अपने आप। और ये है जी नया रास्ता, आप यहाँ से भी आ सकते हो, यहाँ तो कोई भी नहीं मिलेगा आपको, बड़े कम लोग होते हैं यहाँ पे। ये है जी डोसा पॉइंट, रश देखो ऐसे जैसे स्टॉल ही लगी होती शादी में। और यहाँ पे देखो जी हाँ जी, सारे न्यू ईयर मनाने यही आया मेरे को लग रहा है। तुम कहीं भी चले जाओ ना, रास्ते में तुम्हें लोग मिलेंगे ही मिलेंगे। देखो कोक पीने जाओ तब लोग, डोसा खाने जाओ तब लोग, मतलब सारी जगह लोग ही लोग हैं, पाँव रखने की तो जगह ही नहीं है। फाइनली हमने ले लिया कोक, ठंड में, ठंड जैसे बोलते हैं ना चाय, गर्मी में कुछ हमारे बुजुर्ग हैं वो बोलते हैं गर्मी गर्मी को तोड़ती है, और वो गर्मी में चाय पीते हैं, ठंड ठंड को तोड़ रही है, इसलिए हम कोक पी रहे हैं, कोक नहीं पेप्सी पी रहे हैं। मेरी ठंड को थोड़ी थोड़ा जो भी है, मतलब थोड़ा या ना थोड़ा वो बात की बात है, लेकिन अभी हम स्वाद के लिए पहले। तो आपको ये डोमिनोज जैसी पेप्सी लग रही है या नहीं? नहीं, ये उससे ऊपर की पेप्सी है जी, है तो ये पानी है, चलो फिर भी क्या ही कर सकते हैं, ठंडा पानी, लेकिन ठंडा भी नहीं है ढंग से, ठंडा पानी कह सकते हैं उसको जी। कभी भी आपको ये वेस्ट मिले, कभी भी आप ऐसे पहाड़ों पे मत फेंकना, क्योंकि इतने हरे भरे पहाड़ बस इन्हीं वेस्ट की वजह से गंदे हो जाते हैं। अरे सूरज चाचा जो कि अभी डूबे हो गए क्योंकि चंदा मामा आए हुए ना। और ये है जी हाथी मथा ये सामने, और यहाँ हमें जाना है जी पहला स्थान, यहाँ होते हैं सबसे पहले दर्शन। ये देखो जय माता दी, जय माता दी, देखो रश कितना ज़्यादा है। टाइम देखिए कितना टाइम हो गया, जितनी बार हम आए टोटल कर लो वो सब लोग आज यहाँ पे इकट्ठे थे,
इतना ज्यादा रश है और करण भैया का है आज हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू। आप मेरे को पार्टी कहाँ दे रहे हो आज? पार्टी आज तो हम आपको दे नहीं सकते फिलहाल, यहाँ पे आपके लिए चॉकलेट किटकैट ये लीजिए। थैंक यू सो मच। और हमारे छोटू मोटू भाई अनमोल बहल का भी आज बर्थडे है, तो भगवान से उसके लिए प्रार्थना करूँ आज कि उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें और उसको पतला कर दें थोड़ा। ठीक है, चलो मिलते हैं। बड़ा ज़्यादा ही रश है, इतना ज़्यादा। मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप मतलब अपने मम्मी पापा जो काफ़ी ओल्ड हैं उनके साथ आएँ तो न्यू ईयर में थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ इतना ज़्यादा रश है क्या ही बताऊँ। तो यार कितनी बड़ी लाइन लगी है, लोग बैठने वाले काफ़ी ज़्यादा रश, काफ़ी ज़्यादा लोग रश माता के दरबार का। ऊपर भी लोग नीचे भी लोग लाइन में जगह से देखो जी माता के दरबार। अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं भैया। गाइस फाइनली हमको दर्शन हो गए हैं, अभी हम दर्शन करके आ गए हैं। और रास्ते में पता क्या हुआ, मम्मी का ना फ़ोन घूम गया, तो वहाँ जो भीड़ देखी ना आपने वहाँ पे उनका फ़ोन ही गिर गया। पता नहीं भगवान की कृपा से किसी अच्छे बंदे ने उठा लिया, और अभी मैं गया था उसके पास लेने और बंदे ने दे भी दिया। यार ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। तो इसी के साथ दर्शन यहाँ पे हमने कर लिए हैं, अब हम जाएंगे भैरव घाटी। ठीक है, भैरव घाटी दिखाते हैं आपको। सो गाइज माता जी ने घुमा दिया था फोन, कैसा लगा आपको फोन घुमा के? बहुत डर लगा। डर लगा और क्या, वो तो शुक्र है। डांट पड़नी थी, आईफोन था तो गाइज शुक्र दे दिया वापिस, मेरे बेटे की हक की कमाई थी। शुक्र है फाइनली मिल गया। भैया बड़े अच्छे थे, भैया खुद देने के लिए मेरे को आए वहाँ पे ये चेक पॉइंट पे। और मैं ये बताऊँगा कि यार न्यू ईयर पे तुम आओ तो अपने जितने भी यू नो जो बुज़ुर्ग हैं और बच्चे हैं, अगर आप उनके साथ आ रहे हो तो बिल्कुल मत आओ। मैं अभी भी बोलता हूँ आपको, इतना ज़्यादा रश, इतने ज़्यादा लोग बेहोश हुए ना यहाँ पे, ज़ख्मी हो गए, मतलब ऐसे एक अलग ही सिनेरियो बना हुआ था। तो इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग की एंडिंग, मिलते हैं आपको घर में। इसलिए भैरव घाटी भी नहीं जा पाए, इतना ज़्यादा रश, जगह ही नहीं है खड़े होने की यहाँ पे। तो चलो फिर करते हैं इस ब्लॉग की एंडिंग। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।